नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। करियर सेलेक्ट करते वक्त हमें कई सारी डिसीजंस लेनी पड़ती है, और अगर हम गलत डिसीजन ले ले फिर भले ही वो गलती से क्यों ना हो, हमें उसका जुर्माना भरना पड़ता है। और करियर के मामले में भरा गया जुर्माना बहुत भारी होता है, तो इसीलिए आज हम ये खास वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। मैंने कहा हम, क्योंकि आज इस वीडियो में मेरे साथ हैं डीप लाइफ, दीपिका बेक्स, थग मॉब, और जी हाँ, आपका अपना UIC। हम चारों के करियर्स डेफिनेटली अलग हैं, हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा अलग है, और हमारी गलतियां भी अलग हैं, खास हैं, और आप सेम गलतियां आपकी लाइफ में कर सकते हैं, इसीलिए आज हम हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आई होप यू गाइज ऑलरेडी सेट एंड एक्साइटेड टू नो वॉट मिस्टेक्स वी हैव डन इन आवर करियर। आई होप यू हैव सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन ऑलरेडी। एंड नाउ हियर इज द बिग क्वेश्चन, What is the biggest career mistake of my life? Like every gentleman would do, ladies first. Hi, मैं हूँ दीपिका वेद पाठक और मैंने मेरा ग्रेजुएशन BSc कंप्यूटर साइंस में किया है और उसी के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन MCA में किया है। फिलहाल मैं अपना बिजनेस चलाती हूँ बाय द नेम दीपिका वेक्स, आपको तो पता ही होगा। So दीपिका, what was the worst mistake of your career? MCA, मेरे दोस्त सब जा रहे थे MCA करने, तो मैंने सोचा मैं भी कर लेती हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज थी तभी, ना कोई था जो मुझे गाइड करे कि बोले कि भाई तू MCA मत कर, तू कुछ और ऑप्ट कर। लेकिन मैंने कर लिया MCA, और उसके बाद MCA करने के बाद मैंने वापस से एक डिप्लोमा कोर्स किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। BSc कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन करने के बाद अगर मैं जॉब करती 2 साल, और अगर मुझे पता था कि मुझे मास्टर्स लेना ही है, तो मैं MBA कर लेती। MCA मुझे नहीं करना चाहिए था। तो आपको बिल्कुल भी MCA का कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, कोई भी कोर्स सिलेक्ट करने से पहले देखिए कि उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं मार्केट में, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। जब भी मैंने MCA किया, मैं सोच रही थी मास्टर्स डिग्री की है, मुझे जॉब्स मिल जाएंगे, लेकिन वैसे नहीं था। दीपिका, अगर कोई एक एडवाइस देनी हो हमारे व्यूअर्स को तो क्या होगी? डोंट डू जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड्स आर डूइंग। सब लोग जा रहे तो उसी के पीछे तुम लोग को भी जाना है, वैसा कुछ मत कीजिए, भेड़चाल का हिस्सा मत बनिए। दीपिका, अभी जो आपका काम है वो आपके एजुकेशन से बिल्कुल मैच नहीं करता, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, मुझे खुद को पता नहीं था कि मैं बेकिंग करूंगी। बट आपको मजा आ रहा है बेकिंग करने? मुझे बहुत मजा आ रहा है। आई एम सैटिस्फाइड। एंड यू हैप्पी? एंड आई एम हैप्पी। एंड यू कैन बेक केक्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? यस, मतलब जब तक बुढ़ी होती हूँ तब तक मैं करती बैठूंगी, वो आइसिंग करूंगी, कुछ पाइपिंग करूंगी, मतलब मुझे बहुत मजा आ रहा है मैं जो भी कर रही हूँ अभी। Awesome. Hey guys, it's me Deep Life back again with another video. ऐसा मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। Today I'm very happy to be on Bhaiya's channel. So guys, I have completed my graduation from R.A. Poddar College of Commerce. एंड अभी मैं कर रहा हूँ मास्टर्स, सो आई एम डूइंग मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। तो गाइस, जब आप कॉमर्स लेते हो तो कॉमर्स वाले बच्चों को पता रहता है कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग एक बहुत बड़ी वाली सैलरी वाला पैकेज वाला जॉब तो नहीं मिलेगा। दैट इज वाई दे ऑप्ट फॉर हायर एजुकेशन, दैट इज इधर CA करते हैं MBA करते हैं। तो ऐसे ही मैं CA करने को गया, एंड वेन आई सॉ द सिलेबस, तो सिलेबस वॉज वास्ट। मैंने CPT दी, आई क्रैक द CPT, एंड देन आई स्टार्टेड टू स्टडी द IPCC एग्जामिनेशन। तो जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, वैसे ही आई वॉज अटेंडिंग क्लासेस, और क्लासेस होते थे 1 से 9, तो CA के कोचिंग बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। और मैं ऐसे देखता था कि मेरे क्लासरूम में ऐसे बच्चे होते थे जिनको एक कॉन्सेप्ट समझाया तो अभी के अभी समझ जाता था, पर मुझे वो सेम कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। दे नेचुरली हैड दिस एबिलिटी, दे वर थोड़ा सा गिफ्टेड, देयर माइंड वर्कड इन दैट फैशन मोर, एंड माई माइंड यूज टू वर्क इन पेंट्स। आई लाइक कलर कॉम्पोजिशन, आई लाइक पेंटिंग मोर। तो आई वॉज लाइक, मैं कैसे कौन सी जगह पे आ गया, आई वॉज कम्प्लीटली स्टक। मैं सोच रहा था दिस इज नॉट द पाथ फॉर मी एंड वॉट एम आई डूइंग। इसलिए आई लेफ्ट CA, आई कंटिन्यूड माई ग्रेजुएशन, एंड नाउ आई एम डूइंग मास्टर्स बिकॉज मैनेजमेंट इज समथिंग दैट आई लव। सो टू बी ऑनेस्ट, आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग CA। आई कुड हैव बिकम अ CA, बट आई वुडंट हैव लाइक्ड इट। आई would not like to do it for the rest of my life. No disrespect to any CA, it is a wonderful profession, but it was not for me. आप ऐसे करने को देखिए कि try to convert your passion into a career. अगर आप ऐसे कर पाए तो आपका काम काम नहीं लगेगा और आपकी जिंदगी काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा वेद पाठक, रिटायर्ड प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल टीचर। मैंने गवर्नमेंट स्कूल में 26 साल तक अपनी सेवा दी है। पीछे जाके मैं देखती हूँ तो मुझे इस बात का अफसोस होता है कि मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया। डिप्लोमा इन एजुकेशन में 2 साल का कोर्स किया और फिर मुझे गवर्नमेंट स्कूल में एज अ प्राइमरी टीचर का जॉब लगा। ग्रेजुएशन करने की कोशिश की तो मैंने FY किया, SY किया आर्ट्स में, मगर TY के एग्जाम में दे नहीं पाई। मैं 2 बच्चों को संभाल कर और जॉब करके मैं मेरा एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाई। मैं गलती नहीं मानती हूँ, मगर मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं ग्रेजुएशन नहीं कर पाई। पर अगर आप ग्रेजुएट हो जाती तो क्या फायदेमंद होता आपके लिए? हाँ, फायदेमंद तो होता। वैसे तो मैंने TY तक तो पढ़ाई की थी,
सिर्फ एग्जाम नहीं दी थी, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता था तो मुझे एक इंक्रीमेंट ज्यादा मिलता था। स्टूडेंट्स को तो मैं यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि अपना मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन तक तो पूरा करना ही चाहिए। हमारे जमाने में कैसे इतना कॉम्पिटिशन नहीं था, लेकिन आज के जमाने में जॉब के लिए बहुत कंपटीशन है। और जिंदगी में किसी एक विषय में महारत हासिल कीजिए। और मुझे तो आप जानती है, वैसे मेरी गलती के बारे में भी काफी लोगों को पता ही होगा, पर फिर भी थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। आई एम प्रसाद वेदपाठक, आल्सो नोन एज योर इंडियन कंज्यूमर ऑन दिस डिजिटल स्पेस। आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आफ्टर दैट आई डिड अ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मशीन डिजाइनिंग। मैंने एज अ सेल्स इंजीनियर 2 साल तक जॉब की है। जॉब करते समय मैं फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट भी उठाता था जो कि मशीन डिजाइनिंग से रिलेटेड थे, पर जैसे मुझे पता चला कि जॉब मेरे लिए नहीं बनी है, आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस नोन एज ग्लोरियस गिफ्टिंग। गिफ्टिंग बिजनेस सीजनल होता है, इसीलिए मैंने खुद को शिफ्ट कर लिया डिजिटल मार्केटिंग स्पेस में। टुडे आई एम द फाउंडर ऑफ वन ऑफ द बेस्ट सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स आउट देयर नोन एज योर इंडियन कंज्यूमर, शॉर्ट फॉर्म UIC, एंड आई एम ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द क्लोथिंग ब्रांड Zid. लिंक इज बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट मिस्टेक इन माय करियर विल बी स्टिकिंग टू इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के पहले साल में मुझे पता चल गया था कि मेरी औकात नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग का मैथ सॉल्व कर सकूं। सिर्फ मैथ्स कह रहा हूं मैं, क्योंकि बाकी सब सब्जेक्ट्स मैंने फाड़ दिया। मैथ्स एक ऐसा विषय था जो मुझे पहले से पता था कि मुझे नहीं जम रहा। मेरी मिस्टेक ये थी कि मुझे बचपन से सिखाया गया था कि जिस विषय में आप कमजोर हो उस पे ज्यादा ध्यान दो, उसमें ज्यादा समय डालो, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करो। बट आई फील दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच एवरीवन डज आउट देयर। उसमें ज्यादा समय और ज्यादा ध्यान डालने से अच्छा मैं कहूंगा आप उस विषय में ज्यादा ध्यान और समय डालो जो आपको आसानी से आता है। इंजीनियरिंग स्पेशली इन अ कंट्री हैज बिकम अ बिजनेस, जहां पे हर साल कुछ बच्चे मशीन में जाते हैं और कई सारे अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स बाहर निकलते हैं। मैं कह रहा हूं अनएम्प्लॉयबल बिकॉज द स्किल दैट दे हैव इज नॉट इनफ फॉर द वर्ल्ड आउटसाइड। आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव सीन इट रियली डीप एंड क्लोज। नो ऑफेंस टू एनी इंजीनियरिंग स्टूडेंट और एनीवन हु इज एस्पायरिंग टू बिकम एन इंजीनियर, मेरा जो गुस्सा है वो एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है। हम सभी जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम निकालते बैठू तो कई सारे निकलेंगे। मैं अपने प्रॉब्लम की बात करूंगा, अगर मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में ही छोड़ देता और कोई और ग्रेजुएशन कोर्स कर लेता तो मेरे आगे जितने साल वेस्ट गए वो वेस्ट नहीं होते थे। इनफैक्ट आई वॉज रियली गुड विद बायोलॉजी, आई वॉज ग्रेट विद डिजाइनिंग, आई वॉज ग्रेट विद आर्ट क्रिएटिविटी ड्रॉइंग हिस्ट्री, आई वॉज ग्रेट विद दोज सब्जेक्ट, बट पीपल अराउंड मी टोल्ड मी कि इसमें तू अगर करियर करेगा तो पैसे कमा नहीं पाएगा। पर आज मैं आपसे कहता हूं ऐसा नहीं है। जैसे मेरे मॉम ने कहा, ट्राई टू अचीव एक्सेलेंस इन समथिंग, महारत हासिल करिए किसी एक विषय में। वन एडवाइस विच आई वुड लाइक टू गिव टू ऑल माई व्यूअर्स इज डोंट बी अ लीकिंग टायर, यानी कि एक लीकिंग टायर मत बनिए। अब एक लीकिंग टायर क्या होता है, एक टायर इमेजिन करिए, उसमें छेद हो जाते हैं जब भी तो वो एक लीकिंग टायर बन जाता है। तो वो जो टायर होता है वो अपने लक्ष्य पे पहुंचने से पहले फुस हो जाता है रस्ते में। तो उस तरह से आपकी टायर रूपी लाइफ में छेद हो जाए, अगर अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस के छेद हो जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लाइक डिसलाइक सोशल मीडिया यूट्यूब ये कुछ भी हो सकता है, तो बस लीकिंग टायर मत बनिए। आपके गोल पे नजर रखिए और जिद रखिए वहां तक पहुंचने की। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप आपके करियर रिलेटेड क्वेरीज पूछिए, आपके डाउट्स जो भी होंगे वो पूछिए। हालांकि अभी बता रहा हूं मैं सभी को जवाब नहीं दे पाऊंगा, पर मेरा यकीन है कि UIC फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की मदद करेंगे। उसके अलावा अगर आप कुछ प्रमोट करना चाहते हैं, जैसे आपका अगर एप्टीट्यूड टेस्ट का कोई प्रोग्राम हो तो आप बिंदास प्रमोट करिए, हम बिल्कुल आपकी कमेंट डिलीट नहीं करेंगे। इनफैक्ट अगर अच्छी हो तो शायद पिन भी कर दे। तो बस अभी के लिए फिलहाल मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और फिर मिलूंगा ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन डू रिमेंबर टू सर्व बिफोर यू स्वाइप, एंड इफ यू डोंट नीड यू डोंट बाय। बाय। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं प्रतिभा। ये भगवान भाई शी लविंग सो मच। फर्क हो गया, कितनी दुखी है मैंने भी। कस तरी होते मला एकदम, मला ब्लँकच व्हायला होत तिथे। हा एक करतोय बघ ना मध्येच मध्ये मध्ये नमस्कार, मी हूँ प्रतिभा वेद पाठक। हा पिकी थगमोम एज्युकेशन क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियन्स परत बोल। SSC DED करके ये होता है, क्या मानते हैं? आपको किसी सब्जेक्ट में महारत हासिल करना चाहिए। तुम आगे का बघते आहे? तुझे कडे नाहीच बघितलं मी, आता मी तिकडे बघितलं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी एक भी स्टूडेंट के काम आ सकता है तो जरूर शेयर करिए इसे।